welcome to Agyan with Gaurav sir. Today we are talking about direct expenses, indirect expenses, direct income, indirect income. पहले हम बात करेंगे what is expenses की. Expenses क्या हैं? Expenses हैं जो किसी माल को बनाने और बेचने में जितने भी खर्चे होते हैं उन सबको expenses कहा जाता है. For example, आज हम एक लैपटॉप बना रहे हैं तो लैपटॉप बनाने में बनाने से लेकर बेचने तक जितने भी खर्चे होते हैं उन सबको एक्सपेंसेस कहा जाता है. एक्सपेंसेस जो है देर आर टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दूसरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस की. माल के उत्पादन में या माल को खरीदने में किए जाने वाले खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं. ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो किसी माल के मूल्य को यानी कि किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को इंक्रीज करते हैं. और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में शो किए जाते हैं. जैसे एग्जांपल है वेजेस. भाई आज अगर हमने सपोज करो कोई प्रोडक्ट खरीदा, हमने एक फ्रिज खरीदा. फ्रिज सपोज करो हमारे पास 10,000 का है. हमने उसको दुकान से लेकर आए अपने घर तक और घर में हमने जैसे कि सपोज करो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ाने के लिए हमने किसी लेबर को बुलाया जिसके बदले हमने उसको 200 रुपए दिए. तो इन शॉर्ट हमारे घर में उस फ्रिज की कॉस्ट क्या पड़ी? 10,200. ऐसे ही कैरिज, पावर, फ्यूल, कैरिज इनवर्ड होता है ऐसा किराया विच इज पेड एट द टाइम ऑफ परचेज. जैसा कि हमने बात करी थी वेजिस में, ऐसे कैरिज इनवर्ड में भाई आज हम दुकान से फ्रिज लेकर आ रहे हैं तो अब फ्रिज कंधे पे थोड़े लेकर आएंगे. उसके लिए हमें कोई व्हीकल तो हायर करना पड़ेगा जिसके लिए हमने जो किराया दिया अब वो किराया भी तो हमारे कॉस्ट में ऐड होगा. फैक्ट्री रेंट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस एक्सेट्रा. ये सारे वो एग्जांपल्स हैं जो ये वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में शो किए जाते हैं जो कि किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को इंक्रीज करते हैं. जब हम इनकी लेजर पोस्टिंग करते हैं तो इनका जो अंडर द हेड रहेगा वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेगा. अब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की. इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वे खर्चे जो माल की बिक्री और ऑफिस से संबंधित होते हैं. ये वो खर्चे हैं जो माल के बनने के बाद माल को बेचने से संबंधित जितने भी खर्चे होते हैं उन्हें हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं विच इज टू बी शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये वो खर्चे होते हैं जो प्रॉफिट को कम करते हैं जैसे कि सैलरी, रेंट, कैरिज. अब यहाँ पे कैरिज कौन सा है? यहाँ पर कैरिज है आउटवर्ड विच इज पेड एट द टाइम ऑफ सेल. जब हम सेल कर रहे हैं तो उस समय हमने कोई भी किराया पेड किया है तो वो हमारी प्रॉफिट को कम करेगा. इंश्योरेंस, बैड डेट जो पैसा डूब गया है. एडवर्टीजमेंट, डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन होता है विच इज इनकर्ड ऑन द वैल्यू ऑफ एसेट जो कि एसेट की वैल्यू को रिड्यूस करता है. और डेप्रिसिएशन हमारे पास तीन तरह से होता है. पहला ड्यू टू वियर एंड टियर, सामान्य टूट फूट. जैसे कि आज हमने एक बाइक खरीदी, हम उसको 4 साल बाद बेच रहे हैं तो ये थोड़ा ना आज जितने की खरीदी है तो वो उतने की बिकेगी, नहीं ना, वो उससे कम की बिकेगी. दूसरा ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम, इवन अब हमने वो बाइक घर में लाकर खड़ी कर दी, हमने चलाई नहीं, थोड़ी बहुत चलाई, लेकिन उसको हम 4 साल बाद बेच रहे हैं, हमने कहा भाई बिल्कुल नई की नई है. चाहे भले ही वो बिल्कुल नई की नई क्यों ना हो लेकिन तब भी समय के अनुसार उसकी वैल्यू कम होगी. तीसरा ऑब्सोलेसेंस, टेक्नोलॉजी बेस्ड. अब आज के डेट में नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आएगी तो वैसे वैसे पुरानी टेक्नोलॉजी की वैल्यू कम हो जाएगी तो उसे भी हम डेप्रिसिएशन कहते हैं. कमीशन, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, कोई माल चोरी हो गया या आग लग गई, इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं. तो ये सारे क्या हैं? ये सारे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं. जब हम इनकी लेजर पोस्टिंग करेंगे तो इनका अंडर द हेड रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. अब हम बात करेंगे किसकी? इनकम की. इनकम क्या होती है? बिजनेस में जो भी पैसा आता है उसमें से खर्चे घटाने के बाद जो पैसे बचते हैं उसे इनकम कहा जाता है. खर्चे जैसे कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन दोनों को हटाने के बाद जो भी पैसा बचेगा उसे हम इनकम कहते हैं. इनकम हैज ऑल्सो टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज डायरेक्ट इनकम, दूसरी सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट इनकम.
अब डायरेक्ट इनकम क्या होती है? डायरेक्ट इनकम वो इनकम होती है जो पैसे माल या सर्विस बेचने से मिलते हैं, जो पैसे माल या सर्विस बेचने से मिलते हैं वह डायरेक्ट इनकम है। दूसरा इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम वह इनकम है जो पैसे माल या सर्विस बेचने के अलावा से मिलते हैं, वह इनडायरेक्ट इनकम है। इनडायरेक्ट इनकम जैसे कि हमें कोई रेंट रिसीव हुआ, हमें कोई कमीशन रिसीव हुआ, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। डिस्काउंट रिसीव कैसे होगा? जब डिस्काउंट रिसीव होता है विच इज पेड, सॉरी विच इज इशू बाय द क्रेडिटर, जो क्रेडिटर के द्वारा डेटर को दिया जाता है उसे हम डिस्काउंट रिसीव कहते हैं। जब हम इसका लेजर पोस्टिंग करते हैं तो इनडायरेक्ट इनकम का अंडर द हेड जो रहेगा वो इनडायरेक्ट इनकम रहेगा। तो इन शॉर्ट इनकम क्या है? इनकम वह इनकम जो बिजनेस में पैसा आता है उसमें से खर्चे घटाने के बाद जो पैसा बचेगा उसे इनडायरेक्ट इनकम कहते हैं, उसे इनडायरेक्ट इनकम, उसे हम इनकम कहते हैं। और इनकम दो तरह से थी, पहली डायरेक्ट इनकम, दूसरी इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम जो पैसे माल या सर्विस बेचने से मिलते हैं, और इनडायरेक्ट इनकम जो पैसे माल या सर्विस बेचने के अलावा से मिलते हैं वह हमारी इनडायरेक्ट इनकम है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।